लाखों की लागत से बना रिजॉर्ट हुआ स्वाहा। पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हुआ रिजॉर्ट, एक चुटकी में धाराशाही हो गया रेस्टोरेंट। इन दिनों लगातार चल रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, चारों ओर बस तबाही के मंजर नजर आ रही हैं। ऐसे में एक आसमानी आफत की खबर केदारनाथ हाईवे से भी आई है, जहां हाईवे के किनारे बड़ासू में एक दिल दहला देने वाले हादसा हो गया। एक 6 कमरों का रेस्टोरेंट देखते ही देखते नेस्त नाबूद हो गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये रिजॉर्ट ध्वस्त हुआ उस वक्त कोई भी अंदर मौजूद नहीं था। इस हादसे से पहले ही रिजॉर्ट को खाली करवा दिया गया, वरना काफी लोगों की जान को खतरा हो सकता था। फिलहाल सभी यात्री तो सुरक्षित हैं, पर जहां कल तक लाखों की लागत से बनाए रिजॉर्ट कई लोगों को रोजगार दे रहा था, वो आज जमींदोज हो चुका है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते रिजॉर्ट की सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण रिजॉर्ट की 6 कमरे देखते ही देखते ढह गए। इन दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगह काफी नुकसान हो रहा है। जगह जगह भूस्खलन और क्षतिग्रस्त होने की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके चलते पहाड़ों पर रह रहे लोगों का जीवन काफी प्रभावित होता नजर आ रहा है। इस आसमानी आफत के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं केदारनाथ हाईवे के किनारे बसा रेस्टोरेंट ध्वस्त तो हुआ ही, लेकिन इसके साथ हाईवे का कुछ हिस्सा भी ढह गया, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें होने लगी। साथ ही वहां से गुजर रहे वाहनों पर लगातार खतरा मंडराने लगा। अब देखना है कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाती है और सड़क पर आवाजाही कर रहे वाहनों पर जो खतरा लगातार बना हुआ है उसके लिए क्या नए प्रबंध करती है, जिससे लोगों को आने जाने में कोई समस्या ना हो। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल के साथ रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।